नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे, और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो मैथमेटिक्स का है। बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में भी आता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स भी एक तरह का मैथ्स ही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HCF और LCM के कुछ और सारे नियम। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें LCM और HCF की, तो हम लोगों ने सबसे पहले LCM और HCF में उसके शॉर्ट ट्रिक्स जाने थे। HCF एंड LCM के कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स जाने थे, कुछ सवाल बनाए थे। आज हम लोग स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन आज हम लोग फिर से उसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्या होता है HCF और क्या होता है LCM। HCF यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर HCF निकाले, तो आप लोग के पास अगर ऐसा कोई सवाल दे दिया कि जिसमें आपको दिया हुआ है 6, 12, 18, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो हम लोग का HCF होगा वो 6 होगा। कैसे? क्योंकि 6 का हम लोग को ऐसा देखना है कि जो सबसे HCF का जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा उससे बाकी का नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 के टेबल में 12 भी जाता है और 18 भी जाता है, तो हम लोग का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से फिर हम लोग एक और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं कि 8, 20, 28 और 44 दिया हुआ है, इसका HCF पूछा है। तो इसका HCF क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग 8 से देखेंगे कि 8 का मतलब 8 के टेबल में क्या क्या जा रहा है। तो 8 के टेबल में यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे। इसका फैक्टर निकालेंगे यानी कि इसको हाफ ले लेंगे, इसका आधा। तो 8 का आधा कितना होता है, 4। 4 का टेबल में 20 भी जाता है, 28 भी जाता है, और 44 तो ज़्यादा ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का HCF क्या हो गया, 4। ये हम लोग का HCF हो गया। अब इसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरा, कि हम लोग को एक नंबर दे दिया 30, 42, 135, और इसका हम लोग को HCF पूछा है, तो इसका HCF हम लोग का क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग को यहाँ पे जानते हैं कि इसका टेबल से देखना होगा, अगर इसका टेबल से नहीं कट रहा है तो क्योंकि 30 के टेबल में तो 42 कतई भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फैक्टर ले लेंगे। तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर 15 आ जाएगा। फिर 15 से देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं, तो 5 के टेबल में तो 2 का भी आता नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर इसका फैक्टर लेंगे तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 लेंगे तो 6 का टेबल में देखेंगे 42 आता है, लेकिन 135 नहीं आएगा क्योंकि 6 का टेबल में 5 नहीं आता है। तो फिर इससे भी नीचे एक बार लेंगे, तो फिर एक बार इससे 5 लेंगे, तो 5 के टेबल में तो वैसे ही 2 नहीं आता है, और फिर इसके नीचे लेंगे तो इसके नीचे अब 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का देखेंगे कि 3 से जो है इन 42 भी कट रहा है और 135 भी कट रहा है। 42 यहाँ पे कटेगा 3 4 जा, और यहाँ पे 32 जो कटेगा वो कटेगा 3 4 जा 12 और 115 यानी कि 45 बार में। तो यहाँ पे हम लोग का HCF क्या हो गया, 3 हो गया। HCF जो है वो हम लोग का 3 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिर एक बार और सवाल देख लेते हैं, 4 नंबर का सवाल, कि यहाँ पे हम लोग जैसे कि 108, 288 और 360 दिया हुआ है, और इसका HCF पूछा है कि HCF बताओ क्या होता है। तो HCF फिर से हम लोग यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग को एग्जाम में ऐसा भी दे दे कि हम लोग यहाँ पे नंबर दे दे, यानी कि नंबर यानी कि मतलब सिलेक्ट करने के लिए दे दे कि 36 है, बी नंबर 48 है या फिर 18 है, सी नंबर 18 है, और डी नंबर जो है वो अपना 72 है। अब यहाँ पे पूछा गया, तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इसका देखेंगे कि 128 से सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो इसका हम लोग फैक्टर ले लेंगे, तो इसका जब हम लोग फैक्टर लेंगे तो 54 आ जाएगा, और 54 से देखेंगे 54 से जा रहा है कि नहीं, और 54 से नहीं जाता तो फिर इसका फैक्टर ले लेंगे, तो इसका फैक्टर हम लोग लेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में ही 36 देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोग का HCF कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब फिर हम लोग बात करें हमारे पांचवे सवाल का, तो यहाँ पे हम लोग का पांचवा सवाल दिया है कि मान लीजिए 1365 और 1560 और 1755 ये दिया हुआ, और इसका LCM पूछा है या फिर HCF पूछा है। तो इसका HCF हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो या तो हम लोग फैक्टर कर लेंगे या तो फिर किसी एक का LCM निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे 3 से काटे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 4455, फिर 4455 को है तो हम लोग यहाँ से 5 बार में काटते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 91,
और फिर 91 को हम लोग 7 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब हम लोग को देखना है कि कौन किसके किसके टेबल से कट रहा है। तो 3 के टेबल में भी ये कट रहा है, 5 के टेबल में भी कट रहा है, 7 के टेबल में नहीं कट रहा है, एक तो नहीं कट रहा है। तो हम लोग का बचा क्या 13। तो 13 जो है वो सभी के टेबल में आ रहा है, तो हम लोग का एस सी एफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे एल सी एम की। तो चलिए देखते हैं एल सी एम का कुछ सवाल, एल सी एम का सवाल। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग को जैसे कि टेबल दे दिया, चलिए मान लेते हैं टू टू का टेबल दिया हुआ है, 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12, 8 8 5 जा 10, 8 6 जा 12, 8 7 जा 14, 8 6 जा 16, 8 9 जा 9 18, और 8 10 जा 20। और 3 का टेबल यहाँ पे दिया 3 3 जा 1, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। और यहाँ पे 4 का भी दिया हुआ है, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, और 4 10 जा 40। अब हम लोग को यहाँ पे कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा टेबल है, कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग को यहाँ पे अगर जो हम लोग का कॉमन होगा जो सभी के टेबल पे आ रहा है उसे हम लोग एलसीएम बना लेते। तो यहाँ पे देखिए 12 आ रहा है, और इसी तरह से अगर आगे भी कुछ अगर तीनों के मल्टीप्लाई में आ रहा है आगे भी, तो वो हम लोग का लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फिर से एक और ट्रिक का बात करते हैं कि अगर हम लोग को इस तरह से अगर दिया हुआ है, तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 7 दिया है, 14 दिया है और 13 दिया है। अब हम लोग को यहाँ के एलसीएम पूछा है, एलसीएम कैसे निकालना है। तो इसका एलसीएम हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो 7 पहले देखेंगे किसका टेबल से कट रहा है। तो 7 जो है 14 का टेबल से कट है, तो हम लोग काट दिए। अब यहाँ पे 14 और 13 तो कट नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 × 13 कितना हो जाएगा हम लोग का, 182। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, 182, ये हम लोग का एलसीएम हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं कि तीसरा हम लोग को सवाल दिया है कि 4, 12, 17 और 24, इसका एलसीएम पूछा है। तो इसका एलसीएम कैसे होगा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे कि ये कितना का टेबल में जा रहा है, फिर इसको देखेंगे। तो 4 का टेबल में ये सब जा रहा है इसको छोड़ के, तो यहाँ पे 3 जा रहा है या फिर उसका पहले 1 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 को इससे काट देंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे 12 कितना बार में जा रहा है, किसके टाइम पे जा रहा है, तो 12 जो है इसके टाइम पे भी जा रहा है, तो 12 भी काट देंगे। अब इन दोनों के बीच में जो बचा है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, और यहाँ पे 4 1 जा 4, और 5 यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये हम लोग का एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को जैसे कि सवाल दिया है कि 7 14 28 56, ये हम लोग का सवाल है, और इसमें एलसीएम पूछा है कि कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले वही देखेंगे कि 7 के टेबल में कितना कट रहा है। तो यहाँ पे 7 के टेबल में 14 भी कट रहा है, 28 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे कॉमन क्या आ जा रहा है डिवाइड करने पे, तो 56 है। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, वो 56 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग का जो है मल्टीप्लाई करेंगे जितना बार में एलसीएम कट रहा है, तो 56 हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि किस तरह से हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम लोग एससीएफ कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। फिर हम लोग का एक और सवाल है कि यहाँ पे 2, 6, 12, 24 और 28 दिया हुआ है, या फिर 48 दिया हुआ है, चलिए 48 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम लोग वही देखेंगे, 2 के टेबल में सब कट रहा है, 6 के टेबल में सब कट रहा है, 12 के टेबल में सब कट रहा है, 24 के टेबल में सब में कट रहा है, और 48 तो अपना टेबल में कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सभी को हम लोग काट देते हैं, तो हम लोग का 48 एलसीएम आ जाएगा। आप लोग अगर लेंदी प्रोसेस में भी करोगे तो अभी आपका एलसीएम जो है वो 48 ही आएगा। फिर यहाँ पे एक और हम लोग सवाल देख लेते हैं, छठा नंबर सवाल, कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 5, 15, 20 और 30, इसका एलसीएम पूछा गया। तो इसका एलसीएम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 का टेबल में ये भी कट गया, फिर 15 में ये सब नहीं कट रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 भी कट गया, चलिए 5 का टेबल में 15 भी कट गया,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन इन दोनों में से किसी एक का फैक्टर निकाल देंगे या फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, 60 आया, ठीक है। अब 60 देखेंगे कि कितना से कितना सबको मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आंसर 60 है। तो हम लोग का एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। यह हम लोग का प्रोसेस था। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने लॉन्ग प्रोसेस में, जो हम लोग का वर्ड सवाल है, जो हम लोग का आज का वीडियो का मेन प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग को एक सवाल यहाँ पे एससीएफ का देखने को मिल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड 77, 52 एंड 225। फाइंड एससीएफ कि हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है, जो नंबर है हम लोग का 77, 152 और 225। इसका एलसीएफ या फिर एससीएफ पूछा है, तो इसका एस सी एफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक देखिए एक और प्रोसेस पे हम लोग करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना। तो 150 को अगर 77 से माइनस करें तो यहाँ पे 75 आएगा, और फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना है। तो इन दोनों का भी डिफरेंस जो है वो 75 है। तो अब हम लोग को इन दोनों यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हम लोग को मालूम हो जाएगा कि कितना। तो इन लोग का डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग इसको जो है प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा डिफरेंस 150। तो हम लोग का 150 आया है। तो अगर इसका हम लोग फैक्टर कर दें, हाफ कर दें, उसका भी 75 आएगा। तो हम लोग का एस सी एफ कितना है, वो हम लोग का एस सी एफ हो जाएगा 175। ये हम लोग का एस सी एफ हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर। देखिए कितना ईजिली हो गया, उतना बड़ा सवाल अगर हम लोग उस प्रोसेस पे लॉन्ग प्रोसेस पे करने जाएंगे तो हम लोग का 5 मिनट लगेगा। हम लोग यहाँ पे चंद मिनटों में कंप्लीट करेंगे। फिर आता है हम लोग का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड 95, 47 एंड 73। फाइंड एससीएफ कि यहाँ पे हम लोग को एक और नंबर दे दिया गया है 95, 147 और 173, ये नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग का इसका एससीएफ पूछा गया, तो हम लोग सेम उसी तरह से यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे 152, यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे 26। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का इन दोनों के ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 78। ये हम लोग का इन यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों में देखेंगे कि इन तीनों में एस सी एफ किसका कितना। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो 52, 78 और 26। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी निकाल सकते, डायरेक्ट फर्स्ट नंबर 26 से अगर करें, 26 से डिवाइड करें तो यहाँ पे दो बार में कट गया, ये अपना चार बार में कट गया और ये अपना एक बार में कट गया। तो हम लोग का एस सी एफ कितना आ गया, लॉन्ग हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 26। तो हम लोग का आंसर कितना है एस सी एफ 26, ये हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड 68, 82, 96। ये सवाल अब आप मुझे बनाकर कमेंट में बताओगे कि कितना है इसका एस सी एफ, इसका एस सी एफ कितना है, ये आप मुझे आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में सेम उसी तरह से कि हम लोग को एक नंबर दे दिया, 410, 751, 1030, और फिर अब हम लोग को यहाँ पे वही चीज़ निकालना है कि इन तीनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन तीनों का डिफरेंस यहाँ से अगर इनको इससे माइनस करें तो 341 आएगा, इनको इनसे माइनस करेंगे तो 279 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपना 0 आ गया, यहाँ पे अपना 2 आ गया और यहाँ पे अपना 6 आ गया। अब इन तीनों का फिर से हम लोग सेम उसी तरह से उसी प्रोसेस पे एलसीएम निकालते हैं कि 341, 279 और यहाँ पे 620, ये हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका फैक्टर निकाल दीजिए। तो इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अपना आ जाएगा 31 की 31 का टेबल पे ये जा रहा है। उसके बाद आप देखना कि ये कितने कितने के टेबल पे कट रहा है, कि कितने टेबल पे 31 के टेबल पे जाए, तो ये 9 के टेबल में चल जाएगा, ये 11 के टेबल पे चला जाएगा और ये 20 के टेबल पे चला जाएगा। तो अब हम लोग का जो कॉमन हो गया कितना, वो 31 हो गया। तो हम लोग का जो एस सी एफ होगा, एस सी एफ जो होगा वो हम लोग का 31 होगा, ये हम लोग का हो गया। देखिए आप लोगों ने, हम लोगों ने कितना इजीली कितना जल्दी ये सवाल सब बना लिया, और इसी सवाल को अगर हम लोग प्रोसेस में करेंगे तो नहीं बन पाएगा जल्दी। अब हम लोग अपना पाँचवा सवाल पे आते हैं। तो पांचवा सवाल हम लोग का, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टेरेस बिटवीन 100 एंड 300 आर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजल बाय 4। तो हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है 100 और 300,
जिसमें कि हम लोग को सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया है, इसे हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसे हम लोग सेकंड टर्म मान लेते हैं, या फिर लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म में चार माइनस करने बोला है और फर्स्ट टर्म में चार प्लस करने बोला है। तो जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ से 104 हो जाएगा और यहाँ पे 296 हो जाएगा। अब यहाँ पे 296, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, यानी कि एन इजकल टू लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन बाई डी, डी यानी कि डिविजिबल। तो यहाँ पे अब हम लोग बैठाएंगे, लास्ट का हम लोग कितना है 296 माइनस 104 डिविजिबल बाई 4 प्लस वन। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसे कैलकुलेट सिंपल उसी तरह से कि 296 में 104 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 192 डिवाइडेड बाई 4 प्लस वन। अब यहाँ पे 4 के टेबल में अगर हम लोग इसे काटें, 4 4 जा 16, बचा 1, और यहाँ पे 12 कितने बार में जाएगा, बचा 1, हाँ 8 बार में, तो यहाँ पे 8 बार में गया प्लस 1, तो 48 इजकल टू प्लस 1 इजकल टू कितना हो गया 49। ये अपना एस सी एफ हो गया, ये अपना आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक जो एस सी एफ का हम लोग का। तो यहाँ पे अब एक और सवाल है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत जगह पे पूछ लिया जाता है, एसएससी में खासकर ऐसा सवाल आया जाता है, और आरआरबी में भी इंजीनियरिंग बेसिस पे जितना भी सवाल है आईटीआई का उसमें ये सवाल आता है। तो यहाँ पे सवाल है कि द सम ऑफ द एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 680, द एलसीएम इज 84 टाइम्स ऑफ द एससीएफ, इफ वन ऑफ द नंबर इज 56 देन फाइंड द अनदर नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एस सी एफ एक्स, एस सी एफ बराबर एक्स और एल सी एम बराबर 84x, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नंबर जो है 56 दिया हुआ है, पहला नंबर जो हम लोग का है वो 56 है। अब यहाँ पे बोला है कि मतलब हम लोग को फाइंड अनदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो सिंपली हम लोग इक्वेशन एक तो बैठा लेते हैं, एक्स प्लस 84x इजकल टू 680। अब यहाँ पे x प्लस 84x कटेगा तो x, जब x का मान होता है 1, तो यहाँ पे 84 प्लस 1 85x, ये हो गया और अपना ये आ गया 680। अब हम लोग इसे काट देते हैं, तो हम लोग इसे काटेंगे तो ये 8 बार में कट गया, तो x इजकल टू 8 हो गया। अब यहाँ पे एच सी एफ हम लोग का निकल गया 8, हम लोग का यहाँ पे एच सी एफ जो है वो 8 निकल गया, एल सी एम जो है 84x है। अब x को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 84 इंटू 8 इजकल टू 672, ये हम लोग का हो गया, और फर्स्ट टर्म तो हमारा 56 है ही। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फॉर्मूला बैठाएंगे, एस सी एफ और एल सी एम का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख दिए, फॉर्मूला एस सी एफ क्या था, इंटू एल सी एम, एस सी एफ इंटू एल सी एम है इजकल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। तो एस सी एफ हम लोग का 8 निकल गया और यहाँ पे एल सी एम आ गया हम लोग का 672 इजकल टू फर्स्ट नंबर क्या है 56 और इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट इसे डिवाइड कर लेते हैं, 67, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ मैंने 2 लिखा है, डिवाइडेड बाई 56 इजकल टू सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे आप काटेंगे, तो 8 बार में यहाँ पे ये 87 जा चला गया, ये 87 जा चला गया और यहाँ पे ये चला गया 96 में, 796 में। अब हम लोग का जो आंसर आया वो सेकेंड आया। अब ये तो हम लोग का लेंदी प्रोसेस में हो गया। अब हम लोग चाहे अगर इसको ट्रिक में निकालना, तो वो इतना छोटा जगह में मैं आपको ट्रिक में बता दूंगा, ये छोटा सा जगह में। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम जो हम लोग का निकला है वो लिख देते हैं 84, और अब इसे हम लोग इसका फैक्टर निकाल देते हैं। तो हम लोग का इसका फैक्टर कितना बार में 84 आएगा, हाईएस्ट फैक्टर निकालना, तो हम लोग देखते हैं 12 इंटू 7 बार में 84 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का फैक्टर, इन दोनों का आंसर बताया कि इन लोग को इतना से मल्टीप्लाई किए तो इनका 96 और इनका 56 आया है, तो इनको कितना से मल्टीप्लाई किए जो 96 आया, और इनको कितना से मल्टीप्लाई किए जो 56 आया। तो इन दोनों का अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो
तो हम लोग का जो है 96 है, तो हम लोग का ये जो है सेकंड नंबर हो गया, ये हम लोग का अनदर नंबर है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे तरफ, अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। तो हमारा दूसरा सवाल है उसी एलसीएफ का कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 480 देन फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को एच सी एफ, यहाँ भी हम लोग को एक्स ले लेना है, एच सी एफ एक्स है, एल सी एम जो है वो है 20x, और फर्स्ट नंबर अपना है वो है 480। अब फिर उसी तरह उसी फॉर्मूला में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन, तो x प्लस 20x इजकल टू 480, या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2520, इसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हम लोग का है हम लोग यहाँ पे यही लिख देते हैं कि 2520, ये फर्स्ट नंबर है हमारा। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे अपना आ गया पहले 21x इजकल टू 2520। अब इसे इससे काट देते हैं, तो हम लोग का कितना बार में कट गया, 120 बार में कट गया, 120 बार में कट गया। अब हम लोग इसको, हम लोग का एस सी एफ कितना आया 120, एल सी एम कितना आया, हम लोग मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं अपना आ जाएगा 2400, और हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है वो हम लोग का है 480, 480, या फिर आप जो भी लिखना चाहो 2550 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर ये हम लोगों ने दे दिया। अब इसे फॉर्मूला पे उतारेंगे, फॉर्मूला हम लोग का क्या था, एच सी एफ लसप गुना मसप इजकल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 120 इंटू 2400 इजकल टू 480 इंटू सेकेंड। अब इसे हम लोग करते हैं कैलकुलेट, 120 इंटू 240 2400 480 सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 0 काट देते हैं। अब हम लोग के पास बचा कितना, इसे हम लोग काट देते हैं 4 बार में, इसे काट देते हैं हम लोग 30 बार में, इसे हम लोग काट देते हैं 20 बार में। अब हम लोग का आंसर कितना बचा, सेकेंड 60, ये हो गया। अब हम लोग अगर इसे ट्रिक में निकाले, तो हम लोग का जो नंबर है एलसीएम का, यहाँ पे 20 लिख दीजिए एलसीएम, इसका फैक्टर निकाल दीजिए, 5 × 4 हम लोग का हाईएस्ट फैक्टर है, और इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करने पे, एक का मल्टीप्लाई करने पे 600 आ रहा है, और एक का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 480 आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग का यहाँ पे इतना आ जाएगा 120 से, और यहाँ पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो हम लोग का इतना आ जाएगा। तो ये हम लोग का एच सी एफ है, अनदर नंबर हम लोग का जो है वो 600 है, ठीक है, आपको होप समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते फ्रैक्शन एल सी एम के तरफ, कि हम लोग का फ्रैक्शन एल सी एम किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे सवाल देखने को मिलेगा कि जैसे कि मान लेते हैं एल सी एम, यहाँ पे लिख लेते हैं एल सी एम इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, ये वीडियो का आखिरी सवाल होने जा रहा है इसके जैसे। तो यहाँ पे एल सी एम इन फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे मान लीजिए कि 1/3 दिया है, 1/2 दिया है, 3/7 दिया है, और 4/11 दिया है। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन एल सी एम और एस सी एफ कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का, हम लोग इसे किस तरह से बोल सकते हैं, ऊपर वाला को हम लोग नॉमिनेटर बोलते हैं, नॉमिनेटर, और नीचे वाला को हम लोग डी नॉमिनेटर बोलते हैं, डी नॉमिनेटर जो भी है बोलते हैं डी नॉमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला का, तो ऊपर का एलसीएम कितना होता है, 1 1 तो सबके टेबल में आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 4, तो यहाँ पे अपना कितना गया 12, 12 आ गया। अब हम लोग इसका एलसीएफ लेंगे, एससीएफ कितना लेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग सब एक ही जा रहा है, एक ही कॉमन जा रहा है, तो इन सब का कॉमन क्या हो रहा है 1, तो हम लोग का एससीएफ जो हो जाएगा 1 हो, क्योंकि सब एक ही के टेबल पे कट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाए, तो हम लोग का एससीएफ कितना हो जाएगा 12, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखा ना आपने कितना इजी है। फिर यही सवाल एक और हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/3, 4/9, 2/15 और 36/21 ये दिया हुआ है, और हम लोग से फिर से वही नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे,
तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग जब लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, 4, 4, 2, 6, 36। यहाँ पे हम लोग का एलसीएम जो आएगा वो 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 जो है वो सबके टेबल पे कट रहा है। उसके बाद फिर एससीएफ देख लेंगे, एससीएफ कितने से, 3 से, जो सबका कट रहा है, तो यहाँ पे 3। अब इसको यहाँ से इससे काटते हैं, 3 12 का आ गया ये अपना आंसर एससीएफ, ये हम लोग का एससीएफ है, ये हो गया। अब हम लोग का वीडियो का सबसे आखिरी सवाल कि एक मान लीजिए देयर आर 4 रनर्स हु स्टार्टेड रनिंग एट 6 o'clock द रेस इन द सेम डायरेक्शन अराउंड अ करिकुलर पाथ ऑफ 7 किलोमीटर, देयर स्पीड्स आर 4:39, 3.5 पर किलोमीटर इंडिविजुअली। इफ दे हैज स्टार्टेड देयर रेस 6 o'clock इन मॉर्निंग, देन एट वॉट टाइम दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पे एक बोला गया कि यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 रेसर्स हैं जो सुबह 6 बजे किसी एक ग्राउंड में रनिंग स्टार्ट किए हैं, रेस स्टार्ट किए हैं 6 बजे, और उन सब उन उस ग्राउंड का डिस्टेंस है कुछ करीब 7 किलोमीटर। तो पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पे सभी रेसर एक समान होंगे, एक समान मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे रेसर कितना कितना दिया हुआ है, 4:39, 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि, और यहाँ पे किलोमीटर कितना दिया है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ऊपर लिख देते हैं, 7, 7, 7, 4। अब इसका हम लोग लिख देते हैं नीचे 4:39, 3.5। यहाँ पॉइंट गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 35/70 हो गया, या फिर 70/35 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसे काटेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है 35 के टेबल में 2 बार में चला गया। तो यहाँ पे हम लोग का जो एलसीएम है तो कॉमन आ गया 7, 7 × 2 कितना हो गया, 14 हो गया, और यहाँ पे कॉमन कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग का आंसर कितना है, 14 आवर्स, 14 आवर्स। तो यहाँ पे 14 आवर्स अगर हम लोग देखें कि 6 6 आवर, तो हम लोग का 6 बजे शुरू किया है, तो अगर 12 घंटा करते शाम का 6 बजे, तो यहाँ पे 12 हो गया, और इसमें +2 कर दिए तो हम लोग का 14 घंटा हो गया, यानी कि 8 घंटा में, यानी कि शाम को 8 बजे वो लोग एक ऐसा मुकाम पे होगा जहाँ पे वो दोनों, वो सारे रेसर्स जो है एक साथ एक दूसरे को मैच करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।